हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल लिव द बडीज। आज मैं आपके लिए लेकर आए कुछ मिडवाइफरी एंड गायनाकोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपका ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, फेनोबारबिटन, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। इंडक्शन ऑफ लेबर इट मीन्स क्या? देखिए, इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन कंट्रक्शंस आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बाय एनी मेथड, सर्जिकल, मेडिकल और कंबाइन, फॉर द पर्पज ऑफ वजाइनल डिलीवरी। और उसका ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन है, और ऑक्सीटोसिन ये भी पीपीएच को भी प्रिवेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए क्विनाइन, प्रिमाक्विन, फेनोबारबिटन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी फेनोबारबिटन। आपको याद रखिए कि प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी के लिए फेनोबारबिटन ही ड्रग ऑफ चॉइस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर इज एपिसियोटोमी परफॉर्म। एपिसियोटोमी प्रसव की किसी अवस्था में जाती है? राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी सेकंड स्टेज। एपिसियोटोमी क्या है? ये है एक स्मॉल इंसिजियन। डिलीवरी के समय हम वजाइना का लोअर पार्ट को कट करने वाले, जद द्वारा बेबी का हेड आराम से ही बाहर में निकल आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द बेबीज मूवमेंट बाय मदर कॉल्ड। ऑप्शन ए लाइटनिंग, क्विकनिंग, विनिंग, बलोटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा कि माता के द्वारा बच्चे की हलचल को महसूस करना क्या कहलाता है? कभी कभी फास्ट मूवमेंट और प्रथम हलचल को भी पालपेट करना भी लिखा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ क्विकनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेज ऑफ लेबर डज प्लासेंटा डिलीवरी टेक प्लेस। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लासेंटा डिलीवरी होती है? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी थर्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो प्रेगनेंसी के समय कौन सा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिजीज हुआ था? तो ऑप्शन ए जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, आस्कर्बिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है, ये है फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखो कि इसको भी फोलेट भी कहा जाता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये क्या हुआ? इट मीन्स ये है एक बर्थ का डिफेक्ट, जो बेबी का बर्थ के समय बेबी का स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्कॉल को भी अफेक्ट कर सकता। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्चार्ज दैट कम्स आउट ऑफ द मदर्स ब्रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी कॉल्ड। ऑप्शन ए लोकिया, कोलोस्ट्रम, ल्यूकोरिया, विच मिल्क। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी कोलोस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम इज ए स्पेशल मिल्क दैट सीक्रेटेड इन फास्ट 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी। इट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स अबाउट 40 to 50 ml ऑन द फर्स्ट डे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल्स ऑफ ए न्यूबॉर्न फॉर ए फ्यू डेज कॉल्ड। ऑप्शन ए लोकिया, कोलेस्ट्रम, विच मिल्क, ल्यूकोरिया। नवजात शिशु में कुछ दिन तक उनके स्तन से निकलने वाला स्राव क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी विच मिल्क। तो देखिए, हार्मोन्स फ्रॉम द मदर मे ऑल्सो कॉज सम फ्लूइड टू लीक फ्रॉम द इन्फेंट्स निप्पल्स। दिस इज कॉल्ड विच मिल्क। इट इज कॉमन एंड मोस्ट ऑफन गोज अवे विद इन
2 weeks. इसको याद रखो, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर द सर्वाइकल राइपनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के दौरान सर्वाइकल राइपनिंग के लिए कौन सी ड्रग प्रभावी नहीं है. तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, देन मिसोप्रोस्टोल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ प्रोजेस्टेरोन. और ये जो तीनों ड्रग्स ये प्रेगनेंसी के समय इफेक्टिव हुआ था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर सीजर्स इन एक्लाम्प्सिया. एक्लाम्प्सिया में सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है. ऑप्शन सर ऑक्सीटोसिन, फेनोबारबिटन, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल द अबव. इसमें करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट. तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है MgSO4. तो आप सबको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं, बट मैं जो भी जितने भी क्वेश्चन दिया था तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको आप बार बार दे और आपका जितने भी फ्रेंड्स हुआ था तो इसको भी शेयर कर दो. सो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.